हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल डेली क्राफ्ट आयशा खानम। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कढ़ाई चिकन की रेसिपी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो कि आज बहुत ज़्यादा डिलीशियस होने वाला है। तो उस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने ये कुछ इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए हैं। ये 700 ग्राम मैंने चिकन लिया हुआ है, 1 मीडियम साइज़ मैंने ऑनियन लिया है, 1 मीडियम साइज़ मैंने टमाटो लिया है और ये 3 मीडियम साइज़ मैंने ऑनियन लिया है, जिसे मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। साथ ही मैंने ये अमूल बटर लिया हुआ है, कुछ खड़े मसाले लिए हुए हैं जिसके अंदर काली मिर्च है, ज़ीरा है और साबुत धनिया है, लाल मिर्च है, ये जिंजर गार्लिक है जिसे मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, ये कैप्सिकम है और ये टमाटो प्यूरी है। चलिए सबसे पहले हम कढ़ाई चिकन के बनाने के लिए अपने कढ़ाई के मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो अब हम अपने मसालों को रोस्ट करेंगे, ज़्यादा देर नहीं भूनना है, थोड़ी देर ही भूनना है। अभी हम इमाम दस्ते की मदद से कूट लेंगे। हमें इन्हें मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि हमें बारीक नहीं चाहिए, कुछ दरदरा सा ही चाहिए। और सेम कढ़ाई के अंदर मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया है। अब इसमें जाएगा अमूल बटर। बटर को हम थोड़ी देर मेल्ट होने देते हैं। अब इसमें जाएगा ये बारीक चॉप किया हुआ ऑनियंस। ऑनियंस को हमें सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक ही भूनना है। अनियन हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें जाएगा चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक। साथ ही इसमें जाएगा टमाटो। और टमाटो प्यूरी। तीनों को हम अच्छे से भून लेंगे। और इसमें जाएंगे हमारे मसाले, रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट। मसालों को हमें अच्छे से भूनना है। हम इन मसालों को अच्छे से भून चुके हैं, हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। इसमें साथ में तेल भी छोड़ दिया है। हम अपनी ग्रेवी को देखो कितनी अच्छी लग रही है। हम अपनी ग्रेवी को इसे अलग से बर्तन में सेपरेट कर दें। सेम कढ़ाई के अंदर हम अमूल बटर डालेंगे, जिंजर गार्लिक, साथ ही इसमें जाएंगे वो खड़े मसाले जो हमने दरदरे पीसे थे। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। अब इसमें जाएगा ये अनियंस, कैप्सिकम। अनियंस को हम पिंकिश कलर तक ही भूनेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करना है। अब इसमें जाएगा ये हमारा चिकन। चिकन को भी हम साथ में पकाएंगे थोड़ी देर ढककर। चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें जाएगी हमारी ये ग्रेवी। देखिए गाइस, हमारे चिकन ने पानी छोड़ दिया था। चिकन को हम ग्रेवी के साथ गलाएंगे। अब साथ ही इसमें जाइए कसूरी मेथी। हमारा चिकन काफी अच्छे से पक चुका है। इसमें जाएगा ये कोरिएंडर। अब बारी आती है गाइस हमारे कढ़ाई चिकन को सर्व करने की। देखिए हमारा कढ़ाई चिकन कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कमेंट में बताइए किस किस को मेरे कढ़ाई चिकन की रेसिपी पसंद आई। थैंक यू।